जो बैठ के सोच में बैठे रहते हैं उसको छोड़ के यू विल एक्चुअली हैव टू मूव अहेड गाइस. एवरी डे आई हियर एक्सक्यूजेस. और कैसे एक्सक्यूजेस? यू नो व्हाट, माय हस्बैंड डजंट ट्रीट मी वेल. ओके, आई ओनली से ओके बिकॉज दैट्स द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट. आई हैव अ चाइल्ड, बस वो उसकी शादी हो जाए तो वाह मैन, उसके बाद मैं खुश होऊंगा. मेरी लॉटरी लग जाए उसके बाद मैं खुश होऊंगा. मेरे हस्बैंड की जॉब लग जाए उसके बाद मैं खुश होऊंगा. मौत क्या आपसे पूछ के आने वाली है? अगर आप डेड बॉडी की तरह जिएंगे तो उस जीने का क्या फायदा हुआ? कैन वी टुडे से टू आवरसेल्फ्स, आई गिव माईसेल्फ परमिशन टू लिव. कैसे बॉस, आवाज भी नहीं निकलती आपकी, आप क्या परमिशन देंगे? Yes. कोशिश तो करिए परमिशन देने की, दिल पे हाथ रखिए, बहुत जिगर वाला काम है. बोलिए, आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू लिव द वे आई वॉन्ट टू. फर्क ये है, याद रखिए, अगर आप दिल से जिएंगे तो कोई आके आपका कत्ल कर जाएगा. गांधी जी का कत्ल हो गया. जितने लोग दिल से जिए उन्हें मार दिया गया, बाकियों को बीमारी ने मार दिया. चॉइस आपकी है, आप डिजीज से मरेंगे कि आप दिल की सुन के जिएंगे और फिर मरेंगे. हाउ मेनी ऑफ यू आर ओवर हियर पास्ट 40 इयर्स ऑफ एज? किसकी वेट कर रहे हैं जीने के लिए? किसकी वेट कर रहे हैं? क्योंकि आप खुद अपना कत्ल कर चुके हैं. यू डोंट नो हाउ टू वॉक, यू डोंट नो हाउ टू टॉक, यू डू नॉट नो हाउ टू लिव, बिकॉज हम सारा दिन अपनी जो लाइफ है लोगों को ब्लेम करने में लगा देते हैं. लेट्स ब्रेक द वर्ड ब्लेम, कैन वी? बी इज फॉर बीइंग, एल इज फॉर, एल ए एम ई इज फॉर बीइंग ब्लेम, एंड उसके अंदर है मी एट द एंड. देयर इज नोबडी एल्स टू बी ब्लेम्ड अदर देन मी, एंड आई कैन ओनली मूव अहेड व्हेन आई गेट आउट ऑफ द स्टोरी. बकरी बन के रह गए हैं. बकरी कैसे करती है? आप क्या करते हैं? मेरा बच्चा, मेरा वाइफ, मेरी ये, मेरा वो, मेरा ये. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरा नहीं कहते, सबका कहते हैं. दैट्स द फर्स्ट रूल. यू वांट टू फिजिकली गेट ओके, डू समथिंग फिजिकली, डोंट जस्ट रिलाई ऑन मेडिकेशंस, दे डोंट हेल्प. सो लेट मी चेंज माय वर्ड्स. मेडिकेशंस हेल्प टू मास्क योर सिम्टम्स. सिम्टम्स क्या हैं? आपका दर्द सिम्टम है. आप डॉक्टर के पास तब नहीं जाते, भावन सर ने कितने अच्छे से कहा, बीमारी को वक्त लगता है. हर घाव सुलगता रहता है और धीरे धीरे वो सुलग के आग बन जाता है, और उस आग को आप सिम्टम कहते हैं. और तब तक आप बेशरम इतने हैं कि तब तक डॉक्टर के पास नहीं पहुंचेंगे जब तक आपकी जान नहीं जाने वाली. How many of you go only to the doctor when you've got pain? How many of you? Swelling, redness, discomfort. जब possible ही नहीं है ना और आगे चल नहीं सकते, तब तक हम डॉक्टर के पास नहीं पहुँचते. Who abuses your body the most? किसको stop करना पड़ेगा ये? So physically, if you want to get well, then you got to take self-responsibility of doing something about it. So what is our body like? Ek second ke liye, Bhavin sir said and Karishma said so beautifully that our body carries information. What is information? Information means form. And what does form mean? An image. Chalo, game khelte hain. Red color bola to kya meaning hua? Kya? Very good. Continue. Red color. Very good. So each one has a different meaning for everything. Like Karishma said, each one has a different mold, and that mold of yours is causing a problem in your body. This mold has got information from lifetimes, what you call past lives. Fossil ki tarah ban ke reh gaye ho yaar. मट्टी के अंदर गाड़ दूंगी, अभी बाहर निकालूंगी, फिर भी उसमें से आवाज निकलेगी. खुद के अलावा किसी के बारे में किसी ने कभी नहीं सोचा. एक बार 3 लोगों को कमरे में बंद कर दिया गया.
खाना नहीं दिया गया, वहाँ पे खाना था ही नहीं, पानी नहीं था। तीनों इंसान एक दूसरे को मार के खाने को तैयार हो गए थे। हमने आज तक कभी किसी के बारे में नहीं सोचा है। इवन व्हेन वी गिव मनी टू द बेगर, वी ओनली थिंकिंग कि खुदा हमें क्या देगा। कितने वाटर सिस्टम है हमारे अंदर, कितना लेंगे यार। सो वी आर कैरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पास्ट लाइफ्स, फ्रॉम एवरीथिंग, एंड ऑल्सो सोच। वी कैरिंग सोच फ्रॉम आवर पेरेंट्स, फ्रॉम जेनरेशन, एपिजेनेटिक्स एज वी कॉल इट। मतलब कहने का ये है कि अगर मुझे ऐसे लगता है कि शादी में से नहीं निकलना चाहिए, डाइवोर्स इज अ बैड थिंग, तो मैंने शायद शादी में डाइवोर्सेज देखे ही नहीं है, विच इज़ कमिंग फ्रॉम माई एपिजीनियोलॉजी। एंड सो मैंने घुट घुट के जीना सीखा है, तो मैं वैसे ही जीऊँगी। तो अगर आपने अपने बच्चों को रिलीज करना है तो क्या करना पड़ेगा गाइस? बच्चों को कहते हैं हम, होमवर्क करो, पढ़ाई करो, कुछ बनो। आपको हमने इतना कुछ दिया, पैसे दिए, ये दिया, वो दिया, फलाना दिया, टिमखाना दिया, क्या नहीं दिया आपने? सोच वही किसी पे थी। मतलब हम सब के सब चल रहे हैं आगे, लेकिन हम ट्रेडिशंस की तरफ देख रहे हैं पीछे ऐसे। और जब मैं आज पीछे देख रही हूँ तो मुझे क्या वर्ड नज़र आ रहा है यहाँ पे? मैजिक कौन क्रिएट करेगा आपके लिए? मैजिक में फर्स्ट टू वर्ड्स क्या हैं? माँ। तुम्हारी माँ क्रिएट करती है तुम्हारे लिए मैजिक, फर्स्ट मैजिक इन लाइफ। जी स्टैंड्स फॉर जनरेशंस, एंड आई स्टैंड्स हियर फॉर आइडेंटिटी, एंड सी ओवर हियर स्टैंड्स अबाउट द कलेक्टिव नॉलेज दैट वी ऑल हैव। कैन वी टुडे कलेक्टिवली एग्री दैट हम ये सोच तोड़ने की कोशिश करेंगे? हम ये सोच तोड़ ही देते हैं यार, कोशिश क्यों करेंगे? हाउ अबाउट इट? Works for you? So let me tell you a little bit about meta health, which is what I specialize in. Meta health ki soch ye hai